हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी से की एक और नई वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं यार काइगर के बेस मॉडल के बारे में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि यार काइगर के बेस मॉडल की एक वीडियो लेके आओ, तो वही आज मैं ले आया हूँ। मैं आ गया हूँ रेनॉल्ट हल्द्वानी में, तो यही बात करेंगे यार काइगर के बेस मॉडल की। वो आपको वहाँ टॉप मॉडल दिख रहा होगा, तो आज उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, उसकी वीडियो भी चैनल पर डाल दूंगा। लेकिन अब बात करने वाले हैं यार बेस मॉडल की, यानी 6.5 लाख एक्स शोरूम में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो यार सबसे पहले तो बता दूं, अगर 6.5 लाख एक्स शोरूम में इतनी बड़ी गाड़ी ही आपको मिल रही है मेरे ख्याल से, तो वही आपके लिए काफ़ी है। बाकी बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि यार आपको पता है बेस मॉडल लेके सब लड़के मॉडिफाई तो गाड़ी करवाते ही हैं। बाकी करोल बाग ले जाके, इसको कहीं भी ले जाके मॉडिफिकेशन इसमें आराम से हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर, जो इसेंशियल फीचर हैं और जो चीज़ें हैं आफ्टर मार्केट नहीं लग पाती हैं, मतलब लग तो जाती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है उसका शेड्यूल, तो वो चीज़ों के बारे में सबसे पहले चीज़ आपको दिख रहा होगा सामने से, वो है इसका ORVM पर इंडिकेटर। तो यानी ये सबसे बड़ी चीज़ है बेस मॉडल में, ये पहले नहीं आती थी 2023 में, अब ये भी दे दी गई है। तो यह सबसे पहले बेस मॉडल आपका पहचान में आ जाएगा, आपको इसमें व्हील कैप नहीं मिलेंगे, वो आप एक्स शोरूम जो भी है एक्स शोरूम में ऐड करवा के या जो भी शोरूम से जाके ईजी लगवा सकते हो। सेकेंड आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्लैकआउट जो डोर हैंडल है ब्लैकआउट है, उसको भी आप क्रोम करवा सकते हो एज एसेसरीज, आपको क्रोम भी वो चीज़ हो जाएगी, वो चाहे आफ्टर मार्केट करवाओ चाहे शोरूम से करवाओ, तो ये चीज़ें भी कुछ फंक्शनल रहती हैं। तो यार बेस मॉडल आपको साइड प्रोफाइल आपको बेस मॉडल की दिखा दी मैंने, 6.5 लाख में आपको कुछ इस तरीके का आपको गाड़ी मिल रही है। सामने आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ आपको इसके DRL हालांकि ये हेलोजन है, ये LED में नहीं मिलेंगे, सामने हेलोजन बल्ब है और हेलोजन सेटअप है सामने से, और यहाँ आपको एक मिल जाएगा रेनॉल्ट का लोगो, इस तरीके का उस लुक है। बाकी जो इसके डोर हैं, बात करते हैं इसके डोर्स की, तो ये डोर्स में आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, तो गाड़ी को कर लेते हैं एक बार ओपन। तो सामने आपको मिल जाएगा विंडो अप विंडो डाउन के, फ्रंट के मिलेंगे, बैक में आपको मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये आपको घुमा के ही करना होगा। तो ये डोर में पीछे आपको फ्रंट में आगे के दो पावर विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ आपको लॉक अनलॉक का कुछ तरीके का टॉप मॉडल में भी ही आता है, और यहाँ आपको ये डमरू गोल घुमाने वाला ही मिलेगा बेस मॉडल में, तो ये एक चीज़ है। बाकी इस तरीके का कुछ गाड़ी का जो लुक है वो आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे वाले डोर की, तो वही जो मैंने कहा था, तो यार ये तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना ही पड़ेगा इसमें आपको ये होने को आफ्टर मार्केट आप इसको भी मॉडिफाई करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी पीछे का अगर आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि स्पेस आप देखो स्पेस अच्छा खासा है, बाकी गाड़ी के अंदर जाके भी वो बात करेंगे। और यहाँ भी बेस मॉडल में आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब चलते हैं यार बेस मॉडल के अंदर, और अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ काइगर के बेस मॉडल के अंदर, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल सादा सादा सा, क्योंकि बेस मॉडल है तो सादा सादा सा स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ आपको गियर नॉब देखने के लिए मिल जाएगी, और कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। हालांकि बेस मॉडल में भी यार हैंडरेस्ट जरूर दिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बेस मॉडल में भी आपको एक हैंडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। कई गाड़ियों में मैं देख रहा हूँ कि नीचे वाले मॉडल में हैंडरेस्ट हटा देते हैं और सिर्फ टॉप मॉडल में ही हैंडरेस्ट देते हैं, तो वो चीज़ है। यहाँ आपको पूरा प्लेन सादा सा मिलेगा, AC के कंट्रोल आपको मैन्युअली देखने के लिए मिलेंगे, वो आप मैन्युअली कर सकते हो। बाकी यहाँ आपको यार सिस्टम पूरा लग जाएगा आपका मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार रुपये में, इसकी जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें गाड़ी पर आराम से इजीली लग जाएगा। तो ये बेस मॉडल है, लेकिन फिर भी यार पियानो ब्लैक फिनिश आपको जगह जगह देखने के लिए मिल जाएगी, कोई भी कार्बन फिनिश नहीं है। पियानो ब्लैक फिनिश से थोड़ा सा क्या आता है ना, प्रीमियम लुक गाड़ी में आ जाता है, तो वो एक चीज़ बेटर रहती है। तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाएगा। बाकी ये फीचर्स यार कुछ इस तरीके के मिलेंगे, सीट अपहोल्स्ट्री आपको नॉर्मल ही देखने के लिए मिलेगी, कोई लेदर वेदर वाली नहीं मिलेगी। बाकी उस साइड भी डोर के जो कंट्रोल्स हैं वो नॉर्मल हैं, मतलब बेस मॉडल के हिसाब से जो बेस मॉडल में होने चाहिए वही कंट्रोल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। यहीं आपको लैम का सडल का देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अभी चाबी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके की की आपको बेस मॉडल के साथ मिलने वाली है, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। तो पीछे से यार कुछ इस तरीके का लुक देखने के लिए मिल जाएगा काइगर बेस मॉडल का आपको। यहाँ AC देखने के लिए नहीं मिलेगा, हालांकि हैंडरेस्ट जरूर दिया गया है जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी सीट यार ठीक है, मतलब तीन लोग इजीली बैठ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडरेस्ट की बात करूँ तो हेडरेस्ट भी अच्छा खासा है, बाकी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगा पीछे के हैंडरेस्ट जो भी हैं, लेकिन आगे वाले आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे बेस मॉडल से, यानी 6.5 लाख से आपको ये चीज़ देखने के लिए गाड़ी में मिल जाएगी। स्पेस की बात करूं, काफ़ी स्पेस है गाड़ी में पीछे। बाकी स्पीकर ट्यूटर कुछ नहीं है, यहाँ खाली डब्बा है, जगह दी गई है, आप आफ्टर मार्केट जो भी है स्टूडियो जहाँ से फिट करवाओगे वहाँ से ये सब चीज़ें फिट करवा सकते हो। तो यार कुछ इस तरीके की आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस गाड़ी के साथ। नॉर्मल सी की है, मतलब कोई आपको सेंटर लॉकिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। तो बेस मॉडल में आपको नॉर्मल ही की देखने के लिए मिलेगी। एक बार गाड़ी के अंदर जाके ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की इसकी HID जो है वो लगती है। तो यार नॉर्मल सी की आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसको लगा लेते हैं इसके अंदर, तो कुछ इस तरीके की इसमें HID। अब थोड़ा सा स्टीयरिंग का
मोबाइल पकड़ लीजिए मेरे। इसकी यही नहीं क्या है, छोड़ो की वाला पार्टी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यार गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर को आपको यार इसमें एक 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा 71 bhp की पावर। तो ये नॉन टर्बो की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन टर्बो में 71 bhp है, टर्बो की वीडियो मैंने डाली हुई है तो उसकी जो bhp है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी लगभग 98 की। तो यानी अगर आपका नॉर्मल सिटी रन है, काफ़ी पंची गाड़ी आपको नहीं चाहिए, आपकी ये फर्स्ट गाड़ी है मतलब, या आपने इससे पहले कोई हाई पावर वाली गाड़ी नहीं चलाई है तो आपको इसमें कोई पता नहीं चलेगा। इजीली आप सिटी के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मतलब सिटी में काफ़ी अच्छा यूज़ आप इसका कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई ऐसी गाड़ी चलाई है जो 110 bhp के ऊपर है, 100 bhp के ऊपर है, तो इसमें थोड़ा आपको अंडर पावर फील ये हो सकता है। बाकी अगर सिटी में आपने चलना है तो सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 71 bhp भी अच्छी खासी bhp होती है, लेकिन एक गाड़ी का आपको मस्कुलर साइज़ देखने के लिए मिल रहा है, एक काफ़ी बड़ा अपस्टांस जो है वो गाड़ी का देखने के लिए मिल रहा है। चारों ओर से गाड़ी एक थोड़ा सा एसयूवी वाला फील आपको देने वाली है, हालांकि कॉम्पैक्ट एसयूवी के ही सेगमेंट में गाड़ी आती है जो कम्पीट करती है विटारा ब्रेजा से। सामने अगर मैं बात करूँ उसके सबसे बड़े कंप्यूटर की तो वो है निसान मैग्नाइट। तो यार मैग्नाइट से यार अगर मैं आप मैग्नाइट की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे मैं बेटर कहूँगा कि अगर आप इसकी तरफ जाएँ तो ये लुक्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर और अट्रैक्टिव देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये एक चीज़ है। तो फ्रेंड्स यार ये थी मेरी वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।